हेलो दोस्तों, आज हम बीजगणित के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कल भी हमने एक वीडियो बनाया जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चंस या बीजगणित के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और ट्रिक बताई थी। हमने एक शॉर्ट भी बनाया है दोस्तों, बीजगणित के कोहिनूर ट्रिक्स के नाम से। उस शॉर्ट को आप देखिए और आप अगर उन ट्रिक्स को सीख जाएंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बीजगणित में आप सॉल्व कर सकते हो। उस शॉर्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देखिए उस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बेसिक तीन ट्रिक्स बताऊंगा। तीन ट्रिक्स का मतलब है कि एक्स, अगर आपको एक्स की पावर वन में ही और एक्स की पावर वन पूछा गया है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और आपको ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा गया है तो कैसे करेंगे, या एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा गया हो तो किस तरीके। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्स की पावर वन से लेके एक्स की पावर क्यू तक के क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और उसके आगे भी यही ट्रिक अप्लाई होती है सभी क्वेश्चन में। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हो इक्वल टू फाइव और आपको पूछा गया है x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिक आपकी होगी, ये जो वैल्यू यहां पे दी हुई होती है उसे आप a कांस्टेंट मान लीजिए, और इसकी ट्रिक है दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर। ये ट्रिक कहां से आई है, ये हमने पिछली वाला जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है ये ट्रिक कहां से आई थी। तो देखिए ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है और ये माइनस, यहां पे देखिए यहां पे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको यहां पे यूज करना है, तो इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4। 5 स्क्वायर होता है दोस्तों 25 माइनस 4 का अंडर, तो आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट 21। दोस्तों इसी तरीके से देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव दिया है और यहां पे प्लस दिया है, तो ट्रिक तो यही रहेगी लेकिन यहां पे जो चिन्ह है वो प्लस का है तो आप प्लस ही यूज करेंगे। यहां पे ये जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहां पे आता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए a की वैल्यू यहां पे 5 है, अगेन 5 स्क्वायर प्लस 4, 25 प्लस 4, 29। तो इस प्रकार से फर्स्ट ट्रिक आपने अप्लाई की क्वेश्चंस में। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं जिसमें x की पावर 1 दी है, x की पावर 2 में क्वेश्चंस को पूछा गया है कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 है, तो आपको x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो यहाँ पे प्लस आएगा तभी लागू होगी, अगर आपके पास x स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो ये ट्रिक लागू नहीं होगी। यहाँ पे प्लस होना कंपल्सरी है, यहाँ पे प्लस होना कंपल्सरी है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछा जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा है, और मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा इस चीज का। तो देखिए यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ट्रिक हम अप्लाई करेंगे वो है ए स्क्वायर और माइनस टू। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे ये है, यहां पे जो चिन्ह आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, अगर यहां पे प्लस है दोस्तों तो आपको अपोजिट चिन्ह लेना है, यहां पे अगर ये प्लस है तो आपको लेना है माइनस, अगर यहां माइनस होगा तो आपको लेना है प्लस। तो ए की वैल्यू रख दीजिए दोस्तों 5 स्क्वायर माइनस 2, तो 25 में से 2 गया तो आपके बच गया 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। ऐसे ही यहां पे देखिए ये चिन्ह माइनस का है तो प्लस लेना है दोस्तों, ट्रिक में ट्रिक वही है ए स्क्वायर माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहां पे माइनस है तो इसका अपोजिट आपको यहां पे लेना है प्लस, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो 25 प्लस 2 27 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे देखिए x की पावर 1 है और पूछा है आपको x क्यूब में, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव हो और आपको पूछा जाए x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब,
ऐसे ही x माइनस वन अपॉन एक्स फाइव और एक्स क्यू वन माइनस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू बताए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों ही जगह आपको प्लस मिला, प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा, दिया गया है उसमें भी प्लस और जो पूछा गया है उसमें भी प्लस, तो दोनों जगह आपको प्लस मिलेगा यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे दोनों जगह माइनस मिलेगा, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो ये ट्रिक है दोस्तों, आपको करना है, क्यूब है तो क्यूब की फॉर्म में ए थ्री चिन्ह आना है, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो आपको माइनस लेना है, अपोजिट इन दोनों चिन्हों का अपोजिट चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो प्लस प्लस है यहाँ पे, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ आपको लेना है माइनस थ्री ए। तो दोस्तों ए की वैल्यू आपको पता ही है फाइव, तो फाइव का क्यूब माइनस थ्री इंटू फाइव, तो दोस्तों हो गया ये हो जाएगा फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव या वन ट्वेंटी फाइव, 125 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 110। ऐसे ही इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस है तो हमको अपोजिट चिन्ह लेना है, प्लस लेना है, अब की बार ए थ्री प्लस थ्री ए, ये वाली ट्रिक अपनाइए, तो ए थ्री हो गया आपका 5 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 5 एंड वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 125 प्लस 15 15, तो ये आ गया आपका 041, तो 140 आपका इसमें आंसर आ गया, 110 आपका इसमें आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप 6 ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, इस टाइप की ट्रिक्स का ही बेसिक्स यूज करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया है, देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू अंडर रूट थ्री दे रखा है और आपको पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो आपको सीधी सीधी ट्रिक मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताई है वो अप्लाई हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको टुकड़े कर लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दोस्तों एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी के आधार पे मैंने लिखा है। अब देखिए दोस्तों यहां पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको टू अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाइड, अब आपको जो जिससे करना है वो है x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। आपको पता है एक फॉर्मूला अपन ने अभी निकाला था कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर गिवन है तो आपको x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे अपन, उसकी ट्रिक आपको बताई थी कि अंडर रूट ए स्क्वायर और चिन्ह क्या आएगा, ये वाला ही चिन्ह आएगा माइनस फोर, तो इससे आप निकाल सकते हो यहाँ पे अंडर रूट इसकी वैल्यू ए की जगह पे दोस्तों यहाँ पे क्या है टू अंडर रूट थ्री, तो रख दीजिए आप टू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, तो दोस्तों क्या आ जाएगा टू अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई, देखिए टू अंडर रूट थ्री का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर तो फोर हो गया और इसका अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा थ्री और थ्री इंटू फोर ट्वेल्व और ट्वेल्व माइनस फोर अंडर रूट एट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एट और अंडर रूट एट को हम लिख सकते हैं दोस्तों, अंडर रूट एट को आप लिख सकते हो अंडर रूट फोर इंटू टू और फोर का अंडर रूट होता है टू, बाहर आ गया टू अंडर रूट टू, तो दोस्तों यहां लिख सकते हो टू अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू अंडर रूट टू, तो देखिए अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये फोर हो जाएगा तो फोर अंडर रूट सिक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप बेसिक ट्रिक्स को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज जो भी हमने डिस्कस किया है बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बीजगणित की या अलजेब्रा की डिस्कस की है और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस ट्रिक्स से, आप यूज कीजिए इन ट्रिक्स को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।